मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश कॉटेज पे। और आज हम लोग करने वाले हैं आपके किताब रेनबो पार्ट टू का जो सातवां पोएम है, जिसका नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। इसका हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत ही ज्यादा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। और इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन हमने बना दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को ओपन करके वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके बेहतरीन जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग करते हैं, और आप लोग इसको हूबहू ऐसे ही याद कर लेना और लिख लेना कॉपी में जरूर। एक बार आप लिखिएगा जरूर, ताकि ये कंठस्थ हो जाए। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज द पोएट कॉल मैकेविटी अ मिस्ट्री कैट, यानी मैकेविटी को जो कवि है वो एक रहस्यमय बिल्ली, मिस्ट्री कैट यानी कि रहस्यमय बिल्ली क्यों कहते हैं। तो द पोएट कॉल्ड मैकेविटी यहाँ पे नहीं, द पोएट कॉल्स मैकेविटी, चूंकि यहाँ पे ये डज लगा हुआ है ना, वाई डज, डज प्रेजेंट टेंस में होता है, तो आप भी यहाँ पे कॉल्ड के बदले में क्या कर लेना, यहाँ कॉल्स कर लेना, ठीक है। ये टाइप करने में एरर है, गलती हो गया है टाइप करने में, आप लोग इसको ठीक कर लेना। द पोएट कॉल्स मैकेविटी अ मिस्ट्री कैट बिकॉज ही कैन कमिट एनी क्राइम एंड इज एबल टू डिसअपियर फ्रॉम द सीन लिविंग नो ट्रेस बिहाइंड, यानी जो कवि है वो मैकेविटी को रहस्यमय बिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि वह किसी भी तरह के क्राइम को कर सकता है। कमिट का मतलब होता है करना, किसी भी तरह के क्राइम को कर सकता है वो बिल्ली, और एबल टू डिसअपियर, और वहां से गायब होने में भी समर्थ है, यानी कि क्राइम करके गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है उस सीन से, जिस सीन पे क्राइम होता है उस सीन से वो गायब हो जाता है, और क्राइम वही करता है और गायब भी हो जाता है, और किसी भी तरह का निशान अपने पीछे नहीं छोड़ता है। लिविंग नो ट्रेस बिहाइंड का मतलब हो गया पीछे कोई भी निशान अपना नहीं छोड़ता है, यानी वो क्राइम भी करता है और वहां से गायब हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है, कोई प्रूफ उसके खिलाफ नहीं मिलता है, इसलिए वह एक रहस्यमय बिल्ली है, क्योंकि क्राइम करने के बाद वो गुप्त रूप से कहां गायब हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता, और उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिलता है, इसलिए वो एक रहस्यमय बिल्ली है, याद कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडजेक्टिव्स दैट हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब मैकेविटीज कैरेक्टर, मैकेविटी के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए आपके इस पोएम में किस किस तरह के एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया गया है। एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी बताने वाला, विशेषण इसको हम लोग कहते हैं, जो विशेषता बताता है। तो मैकेविटी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है, तो देखिए, मैकेविटी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मिस्ट्री कैट, तो सबसे पहला तो मिस्ट्री कैट, रहस्यमय बिल्ली, द हिडन पॉ, उसको द हिडन पॉ भी कहा गया है, फॉर द मास्टर क्रिमिनल ये भी कहा गया है, बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड ये भी आपके बुक में दिया हुआ है, इसको देख लेना पोएम में, मैंने सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, पोएम को देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिसअपियर, डिसअपियर नहीं डिस्पेयर, यहां देख लेना ध्यान से, डिस्पेयर होगा, DESPAIR, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, ठीक है, ये डिसअपियर गायब होने वाला है, डिस्पेयर, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। उसके अलावा अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी एंड नेपोलियन ऑफ क्राइम एटसेट्रा ETC, तो ये सब उसको एक तरीके से कहा जाए तो विशेषता दी गई है, एडजेक्टिव ये सारे यूज किए गए हैं इसके लिए, तो याद कर लेना मैकेविटी के लिए ये सारे विशेषताएं यूज की गई हैं आपके पोएम में, पोएम में भी देख लेना, ये सब आपको मिल जाएगा। व्हाई इज मैकेविटी टर्म्ड अ क्रिमिनल, मैकेविटी को क्रिमिनल क्यों कहा गया है, भाई तो क्राइम करता है इसलिए क्रिमिनल है, तो देखिए, मैकेविटी इज टर्म्ड एज अ क्रिमिनल बिकॉज ही कमिट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्राइम्स, तो मैकेविटी को क्रिमिनल कहा गया है क्योंकि वो हर तरह का क्राइम करता है, सॉर्ट्स का मतलब यहाँ पे तरह का, काइंड, ठीक है, तो हर तरह का वो क्राइम करता है, जैसे कि ही प्लंडर्स लैडर्स, वो लैडर्स जो है उनको तोड़ देता है, रैनसेक्स ज्वेल यानी कि जो ज्वेल केसेस हैं उनको इधर उधर तितर बितर कर देता है, उनको सर्च करता है, ब्रेक्स ग्लास पेंस, जो खिड़कियां हैं उनके ग्लासेस तोड़ देता है यानी कि शीशे तोड़ता है, स्टील्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यानी कि महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट चुरा लेता है, स्टिफल्स पेट डॉग्स यानी कि जो पालतू कुत्ते हैं उनका गला जो है वो मरोड़ देता है, तो ये सारी क्राइम्स वो करता है इसलिए उसको क्रिमिनल कहा गया है। स्पष्ट सी बात है कौन कौन सा क्राइम करता है, इसमें देख लेना अच्छे से और लिखना जरूर, मैं आपको बार बार कहता हूं कि जरूर लिखना एक बार खुद से, ताकि आप एकदम कंठस्थ तरीके से इसको याद कर लो, ठीक है, याद करके लिखना और फिर देखना कहां गलती हो रहा है, फिर से उसको ठीक करने का कोशिश करना। व्हाट इज सजेस्टेड बाय द फ्रेज पावर्स ऑफ लेविटेशन, पावर्स ऑफ लेविटेशन का मतलब क्या होता है, क्या इससे दिखाने का कोशिश किया गया है आपके पोएम में। द फ्रेज पावर ऑफ लेविटेशन सजेस्ट द सुपर कैपेसिटी टू राइज एंड फ्लोट
इन एयर स्पेशली बाई मैजिक। यानी पावर ऑफ लेविटेशन का मतलब क्या होता है कि ये एक सुपर कैपेसिटी होता है, एक खास तरह का आपका जो क्षमता होता है, बहुत ही पावरफुल क्षमता होता है, स्पेशली जादू यानी कि मैजिक यानी कि जादू के द्वारा अगर कोई व्यक्ति ऊपर के तरफ उठता है। जैसे कि आप देखे होंगे जो ऋषि मुनि महात्मा होते हैं, हम लोग देखते हैं धारावाहिक में, सीरियल में, रामायण महाभारत वगैरह में, कि वे लोग जमीन से ऊपर के तरफ उठने लगते हैं हवा में। ये ग्रेविटेशन के रूल के खिलाफ है, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो तो नीचे खींचता है, लेकिन जो ऋषि मुनि है उनके अंदर पावर होता है ऊपर उठने का। तो यही क्वालिटी मैकेविटी के अंदर भी है, वो लेविटेशन का क्वालिटी उसके अंदर है, ऊपर उठता ही जाता है। उसके क्राइम का जो ग्राफ है ना वो नीचे नहीं आता, वो ऊपर ही उठता जाता है। तो इस तरीके से मैकेविटी भी जो है ना वो लॉ ऑफ ग्रेविटी को ब्रेक करता है, मैकेविटी उसको डिफाई कर देता है, उस कानून को नहीं मानता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं मानता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी के कानून को, नियम को नहीं मानता है, यानी कि उसके नियम को तोड़ता है। उसका ग्राफ नीचे आने के बजाय ऊपर की तरफ जाता है, जबकि आप पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम किसी भी चीज को नीचे खींचता है, ठीक है, कोई भी चीज नीचे गिरता है, यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है, गुरुत्वाकर्षण के वजह से नीचे गिरता है, लेकिन मैकेविटी तो ऊपर ही उठता है उसका ग्राफ, क्राइम का ग्राफ उसका नीचे नहीं गिरता, ऊपर उठता है। तो यही जो ऊपर उठने का क्वालिटी बताया गया है, इसी को कहा गया है पावर ऑफ लेविटेशन। तो याद कर लेंगे कि हियर इट मीन्स मैकेविटी इज एबिलिटी टू डिफाई द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, यानी कि ग्रेविटी के यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को डिफाई करना, तोड़ना, यही यहां पे दिखाया गया है लॉ ऑफ लेविटेशन यानी कि पावर्स ऑफ लेविटेशन के द्वारा, ठीक है। इसका प्रयोग ऋषि मुनि भी करते हैं, वे लोग भी ऊपर उठते हैं, लेकिन वो खुद के शरीर को ऊपर उठाते हैं हवा में, लेकिन इसका ग्राफ, इसके क्राइम का ग्राफ ऊपर उठ रहा है, ठीक है, तो याद रखना। अगला है मैकेविटी इज नेवर देयर डिस्कस, यानी कि डिस्कस कीजिए, मैकेविटी इज नेवर देयर, ये आपके बुक का लाइन है, ठीक है। तो मैकेविटी इज अ परफेक्ट क्रिमिनल, मैकेविटी चूंकि कहीं नहीं मिलता क्राइम होने के बाद, तो इसमें कहा गया है क्यों इसको डिस्कस करना है आपको, कैसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो मैकेविटी जो है वो एक परफेक्ट क्रिमिनल है, यानी कि एक निपुण क्रिमिनल है, परफेक्ट तरीके से काम करता है। ही कैन इवन स्टील सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस, जो फॉरेन ऑफिस है जो कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में रहता है, वहां पे सारी डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखा जाता है, वहां से भी वो चुरा लेता है डॉक्यूमेंट्स को। द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नोज इट इज मैकेविटीज जॉब, यानी कि जो भी जांच करने वाले एजेंसीज हैं, जो जांच करते हैं इस घटना का कि कोई डॉक्यूमेंट्स गायब हुआ है, तो उनको ये बात पता है कि मैकेविटी ही ये गायब किया है। दिस इज मैकेविटीज जॉब, इट इज मैकेविटीज जॉब, ये मैकेविटी का ही काम है, लेकिन वे लोग कभी प्रूव भी नहीं कर पाते हैं, कोई प्रमाण ही नहीं छोड़ता है, वो गायब कर देता है, लेकिन कोई प्रूफ रहेगा तब ना कानून के नजर में, तो कोई प्रूफ वो नहीं छोड़ता है, वे लोग प्रूफ नहीं कर पाते हैं इस चीज को, प्रमाण नहीं कर दे पाते हैं इस चीज का उसके खिलाफ। मैकेविटी इज नेवर फाउंड एट द सीन ऑफ क्राइम, क्राइम जब हो जाता है उसके बाद उस सीन पर वहां उसका कोई निशान नहीं मिलता है, वो कभी नहीं मिलता, मैकेविटी वहां से गायब हो जाता है। ही लिव्स बिहाइंड नो फुटप्रिंट, रेदर देयर इज ऑलवेज एन एलिबी टू प्रूव दैट ही वाज अ माइल अवे एट द टाइम ऑफ क्राइम, और वो किसी भी तरह का अपना फुटप्रिंट नहीं छोड़ता है, किसी भी तरह का जो निशान है अपना वो नहीं छोड़ता है, और इवन अपने सपोर्ट में कि वह क्राइम के समय वहां से मिलो दूर था, कई मील दूर था, एक मील दूर था, कई मील दूर था, इस बात को प्रूफ करने के लिए उसके पास हमेशा एक एलिबी होता है। एलिबी कहने का मतलब है उसके पास हमेशा एक सबूत होता है, वो सबूत पेश कर देता है कि देखो मैं तो जब क्राइम हुआ था तो यहां था ही नहीं, तो मैं कैसे क्राइम करूंगा। तो ये चीज जो है वो प्रूफ कर देता है कि वो क्राइम नहीं किया है, उसके साथ हमेशा एक एलिबी होता है, हमेशा प्रूफ उसके साथ रहता है किसी भी अपने सपोर्ट में क्राइम के खिलाफ, तो इस वजह से उसको कभी पकड़ा नहीं गया है, इसलिए वह एक परफेक्ट क्रिमिनल है। सो मैकेविटी इज नेवर देयर, आप इसका आंसर कर सकते हैं कि मैकेविटी जो है वो कभी नहीं वहां मिलता है जहां पे क्राइम होता है, क्राइम वही करता है लेकिन मिलता कभी नहीं है। Why does the poet call Machiavelli outwardly respectable? यानी कि outwardly का मतलब होता है बाहर से दिखने में जो Machiavelli है वो बहुत ज़्यादा respected है। कैसे आप कह सकते हैं poet ऐसा क्यों कहे हैं कि जो Machiavelli है वो देखने में तो बहुत सीधा साधा लगता है लेकिन सारा क्राइम तो वही करता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। Everybody knows, सब लोग जानते हैं डेट Machiavelli इज अ क्रिमिनल, कि Machiavelli क्रिमिनल है सब लोग जानते हैं, बट nobody can prove it, लेकिन कोई इसको प्रूव नहीं कर सकता है कि Machiavelli क्रिमिनल है, इसके खिलाफ कोई प्रमाण देंगे ना आप कानून के नजर में, तो प्रूफ चाहिए, किसी भी आदमी को क्रिमिनल प्रूफ करने के लिए उसके खिलाफ आप प्रूफ देंगे, सबूत देंगे, लेकिन कोई नहीं दे पाता है जबकि सब कोई जानता है कि क्राइम यही किया है। ही हैज नेवर बीन कॉट, उसको कभी आज तक पकड़ा नहीं गया है। ही हैज नेवर बीन कन्विक्टेड, और उसके ऊपर कोई आरोप भी साबित नहीं हुआ है।
उसको कभी पकड़ा नहीं गया है, ही हैज नेवर बीन कन्विक्टेड, यानी कि उसको कभी भी आरोप साबित उसके ऊपर नहीं किया गया है। सो लॉन्ग एज ही इज नॉट कन्विक्टेड, अब जब तक कि उसके ऊपर आरोप साबित नहीं हो जाता है, ही इज रिस्पेक्टेबल आउटवर्डली, वह कानून की नजर में दिखा देखने में क्या है, वह रिस्पेक्टेबल है, यानी कि वह निर्दोष है, वह सम्माननीय है, इन द आईज ऑफ लॉ एंड पीपल, यानी कि कानून की नजर में, आईज ऑफ लॉ यानी कानून की नजर में भी और लोगों की नजर में भी, चूंकि कानून किसी भी चीज को तभी किसी भी आदमी को क्रिमिनल मानेगा जब उसके खिलाफ कोई सबूत मिलेगा, तो इसके खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं मिलता है, इसलिए इसके ऊपर चूंकि आरोप सिद्ध नहीं होता है, इसलिए यह आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल है, यह देखने में बिल्कुल रिस्पेक्टेड है कानून की नजर में भी और लोगों की नजर में भी, जबकि सब लोग जानते हैं कि क्राइम यही किया है, लेकिन फिर भी यह निर्दोष है, रिस्पेक्टेबल है, क्यों, अपने क्वालिटी के वजह से। मैकेविटी जो है जब क्राइम होता है तो वहां से गायब हो जाता है, और वह एक रिस्पेक्टेबल है लेकिन बहुत ही सातिर क्रिमिनल है, अंदर से बाहर से रिस्पेक्टेबल लेकिन अंदर से बहुत सातिर है। तो आई होप आप इन 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और आप इनका नोट्स जरूर बना लीजिएगा, हालांकि इसका पीडीएफ अवेलेबल है हमारे ग्रुप में, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, अविनाश इंग्लिश सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके, वहां पे आपको ये सारे पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग इसके करने वाले हैं। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले तो अपने हाथों से इसको लिखना है पढ़ने के बाद, समझने के बाद, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, और उसके बाद फिर मिलाना है आंसर जो मैंने दिया है आपको, जो मैंने बताया है, और जो भी गलती हो रही है उसको सुधारने का कोशिश करना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग इसके अगर ये नहीं समझे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और एक काम जरूर करना, सब लोग शेयर कर दो, जितने भी आपके दोस्त हैं सब लोग शेयर कर दो, सबके साथ सारे ग्रुप्स में शेयर कर दो, ताकि हम लोग बेहतरीन तरीके से सबको अच्छा तैयारी करा पाए, एक दूसरे का मदद करेंगे हम लोग, तब जाकर के सारे बच्चे अच्छे मार्क्स से, अच्छे नंबर से पास करेंगे एग्जाम्स को। तो इसलिए आप लोग प्लीज शेयर जरूर करना, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ऑल क्लिक कर दें, ताकि आने वाले आगे सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सारे चैप्टर्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे सबसे पहले, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।